ये नन्हे मुन्ने सपोर्टर रावलपिंडी से तशरीफ लाए अब्दुल तवाब साहब भी कबड्डी के लिए अपना जो शौक बताते हुए। हाफिज अमजद जी बिल्कुल साढ़े बड़े बड़े दोस्त जेडे ने कबड्डी के मैच वेखन लिए तशरीफ लाए ने साढ़े अरपीत संधु जेडे इंडिया तो आए हुए रीप्ले जी जी रीप्ले फिर एक बार आप देखेंगे फिर जो इस कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है अभी तक ज्यूरी को देने में काफी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन कैमरा मैन ने अपना काम जबरदस्त तरीके से निभाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंजी है कि मुश्किल पेश आ रही है और देखा जा रहा है कि केड़ी टीम है जो ये पॉइंट लवेगी। सानू जितना ही समझ लगती है उतना ही असी अपना अनाउंस करांगे। जी सज्जाद गुजर देखना पैना है इशफाक जट और इधर कबड्डी वाला भी जट जी चौधरी मजहर रियासत गुजर जी देखना पैना है कि कौन है नौजवान। इसलिए गिलानी साहब डाउट बेनिफिट गोज टू द स्टॉपर होएगा डिफेंडर होएगा या अटैकर होएगा। देखो जी ये कैमरे की अख जी बड़ी कहते कोई सोने का गिलास हो चट लेंदा बंदा जिड्डा भी चलाक हो जिंदी भी फुर्ती ना तुसी काम लाओ कैमरे की अख दे आ जाएगा हुण ही इहदा फैसला हो जाएगा कि पॉइंट पॉइंट किन मिलता इंडिया नू पॉइंट यह देता और इंडिया नू कैमरे की अख ने फैसला किया कि सज्जाद गुजर ने जदों रेडर से हमला किया उस तो पहले वह टच कर चुकिया सी टैक्निकल ज्यूरी ने पॉइंट फिर उन्होंने दिता फिर दे कहिंदे आया राणा आतफ पाई हुई कबड्डी ते चढ़तल वेख पंजाब दे गबरुआ दी रत जुस्से चो लिशकां पई मार दिए आतफ टैके ने फुल गराब अंदर पूरे जोबन ते रुत बहा दिए राणा आतफ ने नंबर पाकिस्तान दे वास्ते हासिल किया। जी संधु जी की कहिंदे हो ना जेएस गहलोत गहलोत साहब साडे वो भी तक रहे ने जो एशिया दे वार्ड दे प्रधान है इधरों तक रहे के 36 नंबर जेडे पाकिस्तान दे है ते नाले एक पासे नरेश खरल इंडिया दी टीम दे वल्लों कबड्डी पाउण दे लई अगे बल वधदा होया कि शौक जिन्हां नूं कबड्डी दा लग जांदा है पक जांदे ने बांगो पत्थरां दे जदों ग्राउंडां दे विच्चे शेर पिड़दे हड़के दूर दूर तक सुणदे ने टक्करां दे सत्तू धूरिया इन्हां नूं कौण रोके पाउंदे कौडियां वांगे चखड़ां दे पाउंदे कौडियां वांगे चखड़ां दे बैरूफ जबरदस्त तरीके से जारी ये मैच सनसनीखेज दिलचस्प सनसनीखेज मुकाबला पाकिस्तान और हिंदुस्तान डबलिंग हुई और पाकिस्तान के लिए मोहम्मद मारूफ मोहम्मद मारूफ अपनी टीम के हिस्से और मुंडा पिंड का ये भी मुंडा पिंड का नौजवान मुंडा जो कि अपने पाकिस्तान के लिए 37-25 का मुकाबला आपके सामने यानी कि एक दर्जन का फर्क आ गया। हाफिज साहब एक दर्जन कटूंगे हसैन साहब सरब साहब जो पंजाबी बोलते नजारा आता स्वाद आता वाकई क्योंकि वखरा नजारा अज पाकिस्तान की धरती से बैठे हैं। सरबर साहब इंज लगता जिम्मे अपने घरें बैठे अपने पिंड बैठे और देखो अज झंडा लहराया जा रहा है पाकिस्तान का जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं दर्शक जेड़े भंगड़ा पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम काफी अंकों के अगे बल जा रही है पर कौटी है कहते कुछ भी हो सकता है। अगलानी साहब अगली गल हाँ जी खूबसूरत अंदाज देखो ठाठा मारता होया समुंदर और आवाम दे विच भी बिल्कुल जोश जज्बा उही पाया जा रहा अज दोवां कौमां दीआं सांझीआं दा मैच कहिंदा जेलम सतलज ब्याज फिर एक दफा रीप्ले देखो एक ने टच किया दूसरे ने अगे होया ये रीप्ले बार बार ये पीटीवी का कमाल है पीटीवी स्पोर्ट्स का कमाल है कि उन्होंने दुनिया के कोने कोने से आज कबड्डी दे कभी सज्जे कभी खब्बे ये सब खेल तमाशा पाकिस्तान के दम से है। पाक फौज जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद जेलम सतलज ब्याज रियाज जेलम सतलज ब्यास चिनार रावी ये पांच प्यारे पंजाब के ने सांझे नानक भगत फरीद सांझे ये बुर्ज मनारे पंजाब के ने सांझी अमरता प्रीतम ते शाह वारस सूरज चंद सितारे पंजाब के ने जुगा जुगा तो सांझ प्रीत प्रेम प्रेम प्रेमी सारे सारे पंजाब के ने। चलो जी अगली गल करिए हरप्रीत संधु जी जी ऐसे कबड्डी का बहुत ही वखरा नजारा बहुत खूबसूरती दे नाल साड़ी टीम वाटर ब्रेक हुई है आराम दे नाल आराम दे पल और बहुत सोहना व्यू बहुत सोहने दरख्त और लाइटा लगिया हुई ने यह अज 6 मई है समझ जी लो रीप्ले का फिर गगन आया अगे वध के कबड्डी पाउण दे वास्ते कौन है जो डक लवेगा कोशिश चलती हुई
और डबल टच की उन्हें मांग की है और पिछे फिर एक बार बहाया गया है। लेकिन सज्जाद गुजर उन्हें इतराज किया, लेकिन सज्जाद गुजर ने ऐसा कोई देखने मिल गया। लेकिन जिदा ही साढ़े टैक्निकल ऑफिशियल फैसला देंगे वो असी दसांगे। साढ़े वीर साढ़े कबड्डी के मैच को देखने लिए प्रेमी आए हुए, साढ़े सज्जन साढ़े मित्र बड़ी बड़ी दूरों आए हुए वीर, साढ़े बच्चे इस वे कबड्डी का पूरा नजारा माणते हुए कबड्डी की पूरी मौज इस वे आने वाले वक्त वे खिलाड़ी बनने। बड़े कमेंट्री बॉक्स में भी सब्ज हिलाली परचम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शायकीन। ये गगन अभी तक डिस्प्यूट क्लियर है, रिप्ले में देखिएगा। और पॉइंट गलबन मिला ज्यूरी की तरफ से। गगन बहुत क्लोज गए थे मशर। लो फिर एक बारी कहते एक गुरलाल घनौर जो भी ढिलू है ये बलाल मोहसन ढिलो अगली कबड्डी पावेगा। इसलिए देखना पैना चारा जापियां विचों कौन है। पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम के नाल तलक है नौजवान का, अगे बढ़ के टच करने की कोशिश आओ ला के सीटी है। मुंडा हल्की उम्र का उड़जू करती जवानी उड़ू करती जवानी जिदा हरप्रीत संधु कहते हैं। साडे मुख मेहमान भी ताड़िया मार के टीम का हौसला बढ़ाते हुए इंडिया की टीम के वलों कुलदीप सिंह तुहाडे सामने कबड्डी पाने के लिए अगे वल वधदा। उधरों कैमरा जिहड़ा दर्शकों ने भी घूम रहा है ते वेखांगे एक पासे कुलदीप की पाई हुई कबड्डी है, दूजे पासे वेखांगे पाकिस्तान की धरती। अज नहीं रिसांदे दूर ने समा बीतता होया फड़िया होया गुट्टा उड़ू उड़ू करती जबानी गल वेखांगे किदां दी होणी है। एक पासे शकील जट ते दूजे पासे कुलदीप जट्टा कहिंदा अपनी टीम नूं। कुलदीप जट ने कहा भी तू लंघ जा साडी खैर है। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕਰਾਤਾ ਰਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਣਦੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਆਤਫ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਜ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਗੁੱਜਰ ਐ ਬਾਜੀ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਓ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਛਾਲ ਹੈ ਚਮਕਦਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ। 26 ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ इधर देखना पैना कि धक्के बजते हुए रतन लाल और इशफाक शाह जट इसलिए बादशाह गुल डायरेक्टर टेक्निकल उन्होंने इशारा दिता है कि पॉइंट रेडर के हिस्से जा जुड़े है रतन लाल के हिस्से जा जुड़े है। साडे मेहमान खास अज दे इस मैच दे विच जबरदस्ती किसे पाकिस्तान की तरफों आए मोहम्मद मारूफ इसलिए मोहम्मद मारूफ की पई हुई कबड्डी चल भाई गबरूआ पा रेड गल कौडी की दसा तो की दसा कौडी नाल ही लहू जे गर्म रहिंदा इहदे नाल ही दशनी मित्रां दा जुस्सा सख्त रहिंदा दिल गर्म नरम रहिंदा। आओ देख उंगलियां खड़ियां करदा होया इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल अमर लेफ्टिनेंट जनरल उमर महमूद हयात छलाले इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह के चेयरमैन रेडर आए हैं हिंदुस्तान की तरफ से। नरेश कहते हिंदुस्तान की टीम के वलों खड़ की धरती हरियाणा का बब्बर शेर कबड्डी पाने लगे बल वाधा होया क्योंकि पूरा हरियाणा भी अज पीटीवी स्पोर्ट के जरिए जो कबड्डी लाइव दे तक रहा कबड्डी लाइव तक रहा एशियन चैंपियनशिप को लाइव तक रहा है। इधरों देखांगे डबल टच के इशारे हुए अंक जरा नरेश खरल ये सरदार गुरमेल सिंह जी पहलवान जो सर्कल स्टाइल कबड्डी इंडिया के चेयरमैन है इधरों रीप्ले दिखाया जा रहा है। साहब जी साहब जी बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान से तशरीफ लाए तमाम के तमाम मेहमानों को हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे इस सरजमीन के ऊपर के ये मेहमान हमारे यहाँ आए हैं। ये बिलाल टिल्लू पाकिस्तान के लिए जबरदस्त पॉइंट देने में कामयाब हुए और ये चाहे वो हिंदुस्तान के कबड्डी के खिलाड़ी हो चाहे पाकिस्तान के ये पट के ऊपर हाथ मार के जो सेलिब्रेशन करना इसका एक अपना ही मजा है। जी जी है बिल्कुल बिल्कुल थापी मार दी जदों पट उत्ते ते कहंदे उदों जोश ते जवानी दा जज्बा डबल हो जांदा। गगन गगन दी पई होई रेड मुशर्रफ जो है जुनी जंजुआ दुनिया दा खतरनाक तरीन जाफी पकड़ने दी कोशिश एक पासे गगन ने भी खूबसूरत अंदाज दा पॉइंट लिया और इंडिया वास्ते एक होर पॉइंट जोड़िया। ठीक है ये गिलानी मुशर्रफ जंजुआ आज कोई अपना रिवायती खेल पेश करने में कामयाब नहीं हो सके आज के फाइनल मैच में जो उनसे तवक्को की जा रही थी। हाफिज अमजद जी इसलिए खूबसूरत व्यू मुशर्रफ जवेद जंजवा ए हमेशा वलिया वाले काम किए ने इस नौजवान ने कभी सट नहीं लाने की कोशिश की। लो 29 पॉइंट इंडिया की टीम दे और 42 42 पॉइंट ने पाकिस्तान की टीम दे। इसलिए फिर राणा आतफ अगे बढ़ के रेड पाने की कोशिश कर रहे हैं कौन है जो डक लवेगा कोशिश जारी है मुकाबले सख्त ने वाह देखी जाती है बनता की है। लो हाथ लगे राणे आतफ के नाल टक्कर हुई है मुंडे की पर ए आ हो जाता है
ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਰੀਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਾਹਤ ਰੰਧਾਵਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਵੀਦ ਸਾਜਿਦ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲ ਆਹਾ ਬਾਜੀ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਕੀਲ ਜੱਟਾ ਕੈਂਚੀ ਡਾਲੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਟਾਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੈਂਚੀ ਡਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਜੱਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੇ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲਈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਰੀਪਲੇ ਮੇ ਦੇਖੀਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਚੀ ਸਕੀਲ ਜੱਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਹ ਵੇਖਦੇ ਰੀਪਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੀਲ ਜੱਟ ਕੇ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਦਾਣੇ ਸਭ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਬੰਜਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ ਮਾਰਦਾ ਦੁਆਮੇ ਜੱਟ ਵੇਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਢਿੱਲੂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤਜੰਮਲ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਲਓ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਲਾਲ ਮੋਹਸਨ ਢਿੱਲੂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਉਮਰ ਮਹਿਮੂਦ ਹਯਾਤ ਹਿਲਾਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਹ ਜਿਨਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੋਂ ਸੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸੱਜਾਦ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ ਸੱਜਾਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੱਫਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਹਦੌਰ ਜਾਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਲ ਪੜੀ ਰੀਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 1% ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 1% ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖੀਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 45 ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਟੀਮ ਕੇ 29 ਪੁਆਇੰਟ ਤੀਸਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਬੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ 2016 ਤਾਜ ਕਿਸਕੇ ਸਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਜਿਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਲੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 45 ਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਸਾਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਟੀਮ ਕੋ ਸਬਕਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤੈਯਬ ਗਿਲਾਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰੀਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਗਲ ਭਰੀ ਫਿਰ ਦੋ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਚੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਬਗਲ ਚੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫਜ਼ਲਿਆ ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਨਾਵਰ ਤਰਸ ਮਈਉਦੀਨ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੀਟੀਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਫਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਡ ਪਈ ਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਚਾਰਾਂ ਜਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੇਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਮਾਰੂਫ ਵਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਪੰਡੀਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਲੱਤ ਫੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਲਾਲ ਗੁਆਚਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਜੋਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕੀਰ ਅਬਦੁਲ ਭਾਈ ਲੋਪੋਗੀ ਔਰ ਸਫਦਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਪੈਨਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਰੇਸ਼ ਖਰਲ ਆਇਆ ਇਸ ਦਫਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਰੇਡਰ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਚਾਰ ਸਟਾਪਰ ਇੱਕ ਰੇਡਰ ਦੇਖਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਮੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਟਾਪਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੇ ਬਾਹਰ ਫੇਂਕ ਦਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਰੇਡਰ ਕੋ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੌਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੇਡਣ ਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਕਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸ਼ਾਕਲ ਜੱਟ ਨੇ ਲਓ ਬਲਾਲ ਮੋਹਸਨ ਢਿੱਲੋ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਾਂ ਜਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਲੈ ਵੀ ਗੱਭਰੂਆ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੱਖ ਲਵੇਂ ਦਾ ਮੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਪੀ ਜੋ ਡੱਕੇਗਾ ਬਲਾਲ ਮੋਹਸਨ ਢਿੱਲੋ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਲਾਲ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਤਾ ਹੁਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਰੀਪਲੇ ਮੇ ਦੇਖੀਏਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਕਮਾ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਮੁਕਾਬਲ ਕੇ ਸਟਾਪਰ ਕੋ ਗਗਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ
चार सुपरस्टार जापी है, वेखो किहदे नाल टक्कर हुंदी है। राशिद मलिक नाल होई टक्कर, वेखो की बनदा। पहली दफा पाकिस्तान टीम सिलेक्ट होया, खूबसूरत जापी राशिद मलिक। देखो साडियां बच्चियां किस तरह हाथ ला के सैलीब्रेट कर रही, हौसला अफजाई कर रही पाकिस्तानी खिलाड़ियों की और इंडियन खिलाड़ियों की। इन्हों वास्ते कहते वागे दिए सरहदे तेनू तत्ती वाह ना लगे ते खिड़िया रवे फुल गुलाब, तेरे उधर भी पंजाब। राणा आतफ हल्का जा चुकया होया, नंबर लैके पाकिस्तान वास्ते आया। हरप्रीत सिंधु जी की कहते हो तुम इस मैच के बारे ते वेखांगे इंडिया की टीम के वलों राणा साहब किहड़े नौजवान ने कबड्डी पाउणी है कि पंजाब भी मेरा है। तकदां कि इंडिया की टीम के वलों इस बार तुहाडे सामने कबड्डी पाउण दे लई अनरेश कर दी धरती हरियाणा का बब्बर शेर कबड्डी पाउण दे लई अगे वल वधदा होया। ते दूजे पासे पाकिस्तान की धरती के चार जापी चीन की कंध बने पए ने। जजुए की गल कहते पूरी दुनिया च गोरिया मेमां के गुट के सरनामे लिखाए है। इधरों वेखदे आ तुहाडे सामने अनरेश खर की धरती का कबड्डी पाउण दे लई अगे वल वधदा होया जी। सजाद गुजर दूजे पासे शहजाद गुजर मेरे वीरियो एक पासे कहते ने अनरेश खर लै हंदे किते दूर है बेईमान नहीं सजाद गुजर हुई चार वीरे चारे हीरे चौरी अकबर अली गुजर के पुत्र। लो सामने जनाब दर्शक वीर वक् वक् जगह तो आए हुए, लो हाथ खड़े करके पाकिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान ने ये ताज अपने नाम किया। पाकिस्तान ने कबड्डी की एशियन चैंपियनशिप 2016 जीत कर पाकिस्तान ने ये देखिएगा रिप्ले में, पाकिस्तान ने तीसरी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीतकर एक नई तारीख रकम कर दी है। और पाकिस्तान के कबड्डी के खिलाड़ी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के ऑफिशियल इसी मुबारकबाद के मुस्तैक हैं। और ये देखिएगा पाकिस्तान ने 50 अप कर ली है, हाफ सेंचुरी मुकम्मल करके पाकिस्तान की टीम ने ये टाइटल अपने नाम किया। तैयब गिलानी देखो सजाद गुजर का आखिरी जफा किस तरह खूबसूरत अंदाज के नाल लगा होया। अज 50 पॉइंटा जड़ी अज तक चार एशियन च तीन एशियन चैंपियनशिप हुई, पाकिस्तान ने दो जीत के वाजिया बरती हासिल की है। दो और एक दे नाल एहे एक चैंपियनशिप हजे तक हिंदुस्तान जीत सकिया और दो चैंपियनशिप पॉइंटा की बड़ी वाजे बरतरी बहुत वाजे बढ़त इसलिए पाकिस्तान की टीम हासिल हुई है। और इसलिए खूबसूरत व्यू साड़ी ग्राउंड मैन ने भी ग्राउंड अच्छी बनाई है, लेकिन पीटीवी स्पोर्ट्स के कैमरामैन ने भी कमाल की है और अपनी बहुत ही खूबसूरती दे नाल बहुत अच्छे जनाब अंदाज दे विच इसलिए जनाब वो ग्राउंड बहा रहे ने, कोशिश की जा रही है। और सामने जनाब साडे कैमरामैन ने बहुत अच्छा व्यू लिया है और साडिया बच्चिया फिरतियां राणियां इसलिए कबड्डी का पूरा मान पूरा नजारा माणते हुए साडे वीर हरप्रीत संधु आए हैं। बाकी की दसते हो तुसी इंडिया दी टीम जिहड़ी आ मैच पूरा तकड़ा होया जी, दोनों टीमां तकड़ियां सी क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी पूरा जोर लाया। अब पाकिस्तान की धरती पूरा खुशी का माहौल है क्योंकि इंडिया के भी बराबरे भंगड़े पै रहे हैं, उन्ना ही प्यार जिहड़ा सत्कार पाकिस्तान की टीम इंडिया के वलों भी दिता जा रहा है जी जी। लख लख मुबारक ने अज क्योंकि इंडिया की पाकिस्तान की टीम ने चैंपियनशिप जी जीत ली है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड डॉक्टर अख्तर गंजेरा और दीगर मेहमाना ने ग्रामी इंडिया से भी जो तशरीफ लाए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कबड्डी के खेल से लगाव रखने वाले लोगों को स्पोर्ट्स लवर्स को आज मुबारकबाद के मुस्तैक हैं। ये कंधों पे उठाए हुए पाकिस्तान की कबड्डी टीम के ऑफिशियल्स को टीम और शहजाद ढिल्लो चौधरी मोहम्मद हुसैन गुजर कमेंट्री बॉक्स में हमारे दरमियान मौजूद हैं हरदीप सिंह सिंधु जो कि इंडिया से तशरीफ लाए हैं, तैयब गिलानी फैसलाबाद के रहने वाले हाफिज अमजद ने इस भरपूर साथ दिया है थ्रू आउट इस इवेंट में और अपनी मुनफरद कमेंट्री मुनफरद वोकैबुलरी के साथ पंजाब पोएट्री के साथ शायकीन को नाजरीन को पूरे पाकिस्तान में रहने वाले कबड्डी के दिलदादा लोगों को अपनी कमेंट्री से महसूस किया। बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया अजमल साबरी जी। अज का यह बहुत खूबसूरत जड़ा अज 6 मई याद रखा जाएगा कि जिम्मे 2012 का उठाई नगरी में खेला जाने वाला वो इवेंट जो कि 2012 में खेला गया पाकिस्तान ने अपने नाम किया था, आज किबला बाकर शाह साहब की नगरी में खेले जाने वाला ये इवेंट पाकिस्तान ने 50 अप के पॉइंट के साथ अपने नाम किया और तमाम तर सेहरा उनकी टीम के ऑफिशियल्स उनके टीम के नौजवान कबड्डी के खिलाड़ी उनके ऑफिशियल्स के साथ और उनके फिजिकल ट्रेनर्स के सर भी जाता है वो भी मुबारकबाद के मुस्तैक है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की टीम को मजबूत टीम को शिकस्त देने के बाद एशियन टाइटल अपने नाम किया। हाफिज अमजद बिल्कुल एशियन टाइटल एक बारी फिर के तीन बारी होया है मैच, एक बारी ईरान की धरती से दो बारी पाकिस्तान की धरती से के पाकिस्तान की टीम लो सबद हलाली परचम इस वे खूबसूरत सितारा चंद सितारा बहुत ही खूबसूरत और अज का साडे वीर लो सामने जनाब कैमरे की अख महफूज करते हुए इस खूबसूरत मंजर
खूबसूरत जड़ा चन और सितारा ऐसे हाँ जी खूबसूरत चन और सितारा असी जड़ा कैमरे के सामने बिल्कुल